बुनियादी चीज़ ये है कि सियासी इस्तेहकाम जम्हूरी निज़ाम में ये नागुज़ीर अमल है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा और उसके बाद आईन और कानून की बालादस्ती। हम आईन और कानून के हवाले से भी अपने तहफ़ुज़ात वाज़ह कर देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन हो, वहाँ भी तो जज लोग बैठे हैं, जज साहिबान बैठे हैं, आईन और कानून के माहिरीन बैठे हुए हैं, वो आईन और कानून की रोशनी में एक फैसला करते हैं। वही केस जब अदालत में जाता है तो वहाँ दूसरा फैसला आ जाता है। एक ज़माने में वही अदालत उसी कानून के तहत एक तरह का फैसला देता है, फिर एक ज़माना गुजर जाता है, फिर दूसरा फैसला। अदालत की तरफ से जो कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है, इससे अवाम का एतमाद अदलिया पर ख़त्म हो जाएगा और फिर अदलिया उस एतमाद को बहाल करने में इंतहाई मुश्किल महसूस करेगी। इस बारे में आईन कानून की बालादस्ती और हकायक तक पहुंचने, अगर इसमें भी हम रियायतें करें, और हम जानते हैं कि इस वक्त इदारों के अंदर कुछ लोग क्यों लॉयल बन गए हैं। लाडलापन की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, चाहे फौज में हो, चाहे अदलिया में हो, चाहे इलेक्शन कमीशन में हो, आईन और कानून के बारे में होनी चाहिए। हर बात पर आईन और कानून की बात होती है, लेकिन तजादात जब सामने आते हैं तो पूरी कौम जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि हो क्या रहा है।